हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इसके पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। रामचरितमानस में कथा मिलती है कि प्रभु श्री राम के राज तिलक के बाद एक दिन हनुमान जी भूखे प्यासे माता सीता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सीता माता अपनी मांग में कुछ लगा रही है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या लगा रही है और क्यों। तब उन्होंने माता से पूछा कि यह क्या है और वह इसे क्यों लगा रही है। तब माता सीता ने उन्हें बताया कि यह सिंदूर है और इसे श्री राम की दीर्घायु के लिए लगाती है। इसके बाद माता सीता हनुमान जी के लिए भोजन लाने के लिए रसोई घर में चली गई। कथा के अनुसार जब सीता माता रसोई घर चली गई तो हनुमान जी ने सिंदूर उठाया और उसे अपने पूरे शरीर में लगा लिया। इसके बाद वह राम जी के दरबार में उपस्थित हो गए। वहां जब सबने हनुमान जी को देखा तो उनसे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने कहा कि माता सीता ने बताया है कि सिंदूर धारण करने से श्री राम जी दीर्घायु होंगे, इसलिए मैंने अपने स्वामी की लंबी उम्र के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। मान्यता है कि उस दिन मंगलवार का दिन था। तब हनुमान जी की ऐसी अनन्य भक्ति देखकर श्री राम ने कहा, मंगलवार के दिन जो भी जातक हनुमान जी को सिंदूर लगाएंगे उन्हें श्री राम की विशेष कृपा मिलेगी। कहते हैं कि तब से ही हनुमान जी को सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर में पारा होता है, इसे माथे पर लगाने से जातकों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे सिर दर्द और निद्रा संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है। यही नहीं, इसे लगाने से एकाग्रता में वृद्धि भी होती है। इसका उदाहरण पौराणिक काल में गुरुकुल में देखने को मिलता है, जहां सभी जातकों को सिंदूर का तिलक लगाया जाता था ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और वह एकाग्रचित होकर ज्ञान ग्रहण कर सके।